बुरहानपुर जिले के जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के रक्तदान शिविर में भी हिस्सा लिया। मंत्री सिलावट ने अस्पताल परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की। उन्होंने गंदगी देखकर नाराजगी भी जाहिर की। सीएमएचओ को फटकार लगाकर नियमित साफ सफाई के निर्देश जारी किए। सिलावट ने जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों से शासकीय योजनाओं की जानकारी ली। हमारे राष्ट्र गौरव प्रधानमंत्री का संकल्प, हमारा भारत तभी शक्तिशाली बनेगा, समाज का सबसे पीछे और सबसे नीचे है, उसी उद्देश्य को लेकर आज उनके जन्मदिन पर जन औषधि पूरे राष्ट्र में और मध्य प्रदेश में प्रारंभ की है। राज दरों पर दवाओं का उपलब्ध हो, इसी प्रकार से आयुष्मान कार्ड एक घर में चार चार, ये कभी किसी ने सोचा था, ये सोचने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री आवास, एक माँ को, एक बेटी को, एक बहन को खुद के छत की होती है, उसकी पूर्ति देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। हम निःशुल्क अनाज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं समय पर, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हमारी उज्ज्वला ये उज्ज्वला योजना गैस की टंकी दे रहे हैं, सबसे बड़ा काम स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, ये हमारी देश की सरकार के और मध्य प्रदेश की सरकार का संकल्प है। शिक्षित मध्य प्रदेश, स्वच्छ मध्य प्रदेश और स्वच्छ बुरहानपुर और मध्य प्रदेश और देश। मंत्री जी, पिछले 8 सालों से जल आवास योजना बुरहानपुर में चल रही है, आज तक पूरी नहीं हुई है, पूरी शहर की सड़कें खुदी पड़ी हुई है, धूल का अंबार है, वो कब सब सुधार होगा? अति शीघ्र। सुनिए, आज ही मैंने नगर निगम कमिश्नर से चर्चा की, जितने भी बरसात के कारण जो गड्ढे हुए हैं उसको अति शीघ्र भरा जाए, कम से कम 10 या 15 दिन का समय दिया है गड्ढे पहले भरने। कुणाल चौधरी जी ने राहुल गांधी की हत्या का बोले कि बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।